second. Egg second. Ay, aquí para que la almita. Roko yaar. Welcome back to the channel. कैसे आप लोग? I hope you are doing great. So, आज की वीडियो में हम रिएक्शन करने वाले हैं. India's Got Latin का लेटेस्ट एपिसोड आ चुका है एंड मैं लेट हूँ, आई नो दैट, सॉरी फॉर दैट. इसमें जो गेस्ट है वो इंटरेस्टिंग है यार, उसके लिए तो भाई मैं यहाँ पे रिएक्शन करने बैठी हूँ यार. दीपक कलहाल को बुला लिया है फाइनली समय रैना ने. दीपक कलहाल एंड मनन देसाई एंड स्टैन बॉस. India's Got Latin बहुत ही ज्यादा अच्छा शो है क्योंकि इसके अंदर यूनिक कॉन्सेप्ट के थ्रू हंसाया जाता है, बड़ा मजा आता है. बाकी सारे एपिसोड में मेरा रिएक्शन नहीं देखा है तो जाके जरूर से समय रहना का प्लेलिस्ट चेक कर लेना. साथ अगर चैनल पे पहली बार आया है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको इसी तरह के एंटरटेनिंग रिएक्शन वीडियोस देखने को मिल सके. वीडियो पे रिएक्शन करते हैं, देखते हैं इस बार कौन कौन से कंटेस्टेंट आते हैं एंड कितना मजा आता है. चलो स्टार्ट करते हैं रिएक्शन. हेलो एंड वेलकम टू इंडियाज़ गॉट लेटेंट, एक अननेसेसरी रियलिटी शो. इस शो का कोई भी पॉइंट नहीं है, जस्ट लाइक लाइफ. इस शो में कुछ भी हो सकता है. यस, इस शो में कुछ भी हो सकता है. It's a pointless reality show, but it has a very interesting point system. India के कोने-कोने से लोग इस शो में अपना टैलेंट दिखाने के लिए आएंगे. उनके पास केवल 90 सेकंड होंगे अपना टैलेंट दिखाने के लिए. लेकिन अपना टैलेंट दिखाने से पहले उन्हें खुद को 10 में से स्कोर देना होगा. टैलेंट दिखाने के बाद हमारे जजेस भी उनको स्कोर देंगे और अगर जजेस का एवरेज स्कोर वही निकल गया जो पार्टिसिपेंट ने खुद को दिया था परफॉर्म करने से पहले, तो वो पार्टिसिपेंट शो जीत जाएगा और उस दिन के शो के टिकट सेल्स का सारा पैसा उनका हो जाएगा. जी हाँ, इस शो से हमें पता चलेगा कि कौन कितना सेल्फ अवेयर है और इस शो के यूट्यूब व्यूज से हमें पता चलेगा कि कौन कितना बेरोजगार. यस, हम लोग बेरोजगार ही है. So are we ready to begin India's Got Latin? हम लोग रेडी है. So make some noise for panel of the night, Balraj Gai, Aggu, Manan Desai and Deepak Kalal. Aggu? कलाल की फैन फॉलोइंग देखो यार. ओ भाई, धन्यवाद. I love you Mumbai. I will never say bye bye bye. Love you Mumbai. तो गाइस, गिव अ जोर तो फॉर द पैनल एवरीवन. We have Aggu. Do you know Aggu? Aggu. Oh, let's go. He's a black guy जो हिंदी बोलते हैं. Yes, and इनकी बहुत कम बोलते हैं, पिछले शो में बहुत कम बोला, बट जो भी बोला गांड फाड़ बोला भाई. तो इनकी लाइंस पे ध्यान देना आप भी, भाई फनी गाय. What I'm trying to say is black lines matter. सही बात है. अच्छा था ये. कैसे हो मेरे भाई? ये अच्छा था. भाई कैसे, आपको हिंदी कैसे आती है? लाइक 5 साल हो गए मेरे को यहाँ पे रह रहे, 5 साल हो गया इंडिया में, 4 साल यूपी में रहा था और 1 साल गुड़गांव का भी. भाई जो यूपी में रहेगा भाई वो तो यूपी का बन ही जाएगा. हिंदी दैट्स कमेंडेबल यार, एक बार जोर तालियां फॉर हिम यार. मैं भी 5 साल गया था यूएस गेटोज में, मैं तो चोरी करना नहीं सीखा. चोरी कर. एंड वी आल्सो हैव दीपक कलाल हियर गाइस. आई डोंट नो इफ यू नो, आई ओनली फॉलो दीपक कलाल इंस्टाग्राम ताकि मेरा स्क्रीन टाइम कम रहे. लव यू दीपक भाई. लव यू टू. ओके देन, थोड़ा दूर जाता हूँ मैं. दूर हो जाता हूँ. बट दीपक भाई, हाउ आर यू फीलिंग यहाँ पे आप आए, कैसा लग रहा है आपको? समाय, ओ माय माय, ओ माय माय. श्योर यार. दीपक भाई, ये जो आपका जो कैरेक्टर है जो आप प्ले करते हैं, डू यू नो इट्स अ कैरेक्टर? So can we meet the real Deepak Kalal today, yaar? Ek baar zora laga le yaar, come on. Would you expose yourself and just show us your real self? Who are you actually beneath all this? देखो मेरे जो videos हैं, उसमें मैं अपने आप को टाटी स्लटी वाना भी हरामी दिखाता हूँ. क्या? But reality में मैं compassion से भरपूर हूँ. महात्मा गांधी जोड़े के हुए. महात्मा गांधी है ये. Reality में मैं बहुत बहुत दयालु और बहुत ही काइंड हार्टेड पर्सन. बहुत ही काइंड हार्टेड. तो फिर आप ये ऐसा कैरेक्टर क्यों दिखाते हैं जिसमें आपको मार पड़ रही होती है कहीं
गुजरों से मार पड़ रही है, कभी कश्मीर में मार पड़ रही है। मुझे अच्छा लगता है, देखो मुझे जो मार पड़ी है वो गुड लुकिंग लोगों से पड़ी है, एंड आई पेड फॉर इट। अच्छा, मुझे जो मार पड़ी है वो जिमी चू से पड़ी है, ना कि बाटा की चप्पल से। ओके, तो मुझे अच्छा लगता है जब गुड लुकिंग लोग, अमीर लोग मुझे मारते हैं। गरीब लोग फटे टेबल पे गुलदस्ता दे, नो वे। बट अगर अमीर लोग किसी ताजलैंड एंड्स पे मुझे मारे, जैसे शाहरुख मुझे चमाट लगा दे ताजलैंड एंड्स पे, आई वांट दैट। तो ये फोड़ा वहीं से हुआ है आपको? ओह माय गॉड, खली का टट्टा टकरा गया। जोरदार ताला खोदी बगला फोड़ा। अरे वी आल्सो हैव मनन देसाई दोस्तों। आप मेरे फॉलो करो इंस्टाग्राम, मैं आपको दूंगा 200 ग्राम। इतना भी मुंह में मत डालो, थोड़ा फील तो करने दो। ये आप अगर रखेंगे तो इसमें आवाज आएगी आप। अरे अच्छा। दीपक भाई जस्ट होल्ड इट टू योर चिन। हाँ ऐसे। या जस्ट कीप इट हेल्ड टू योर चिन। बस ऐसे ऐसे चिपका के रखो ना चिन से। तो हाँ जी। ये हुई बात। आप इस माइक का ऑक्शन करेंगे हम। इसको ही दे दो, इसका भी माइक ऐसा ही होगा। तुझे कैसे पता भाई? He's from Nigeria. The capital is Abuja. और तू ले ले मेरा खरबूजा। अरे भाई। भाई वैसे पैनल को पहली बार जो देखे है ना भाई, तगड़ा आ जाएगा। Oh, by the way, guys, we also have a sponsor today, guys. Oh. Make some noise for Bold Care. Bold Care is a men's sexual health product. And ye log bahut kuch kar rahe hain. They have a lot of products. They have condoms, they have lubes, they have... I would like to gift it to you. Nahin, inke size ka abhi tak nahi hai Bold Care ke paas. But there is something called a delay spray. Ye hai delay spray. Agar aap ye maarte hain, toh you get delayed. So you can last longer in bed. Agar aaj koi bhi performer hai, bahut achha laga. Toh hum us pe delay spray maarenge, toh uska time badh jayega. Okay. ठीक है, तो ऐसे 90 सेकंड्स होते हैं। बट इसका नाम क्या है? डिले स्प्रे। डिले स्प्रे, लेकिन मुझे तो गीले गीले स्प्रे पसंद है। वो भी है, लूब है यहाँ पे। हाँ लूब भी है, लूब भी है भाई। वेरी गुड, थैंक यू फॉर द ब्रांड इंटीग्रेशन। समय शो थोड़ा डीरेल हो रहा है। हाँ शो थोड़ा डीरेल हो रहा है और डिले भी हो रहा है। तो लेट्स बिगिन द शो इमीडिएटली। शुड वी बिगिन? इंडियाज़ गॉट लेडन। ये ऑलराइट, सो मेक सम नॉइस फॉर द फर्स्ट एक्ट, यश शर्मा। ना तू मुझको मिला है, ना तू मुझको मिलेगा, ना तूने मुझे चाहा है, ना तू चाहेगा। कौन चाहेगा इसको? नहीं, बेसुरा है। मेरे दिल की दुआओं में तू ही तो। लेकिन गिटार तो अच्छा बजा रहा है। मेरी हर बात में पहले से पता था, मिलने में मैं लगा था, मेरे दिल में कहीं तू छुपा था। गिटार अच्छा बजा रहा है यार। पता था, मिलने में मैं लगा था, मेरे दिल में कहीं तू छुपा था। तुझको ना पता था, तेरे पीछे मैं चला था, मेरा तो यही सिलसिला था। अच्छा है यार, अच्छा है। बस कर भोसड़ी के। समय इतना टॉर्चर हो गया बेचारा।
समझाने से। समय तुमने मुझे कहा था तुम्हारे शो में धुरंधर आए, यहाँ पे बंदर आ गए। यश भाई, हाँ जी, आप कितने टाइम से गिटार बजा रहे हो? 5 साल। आपसे अच्छा तो 5 साल का बच्चा बजा लेगा। नहीं, गिटार उन्होंने बहुत अच्छा बजाया यार, honestly, I really like the way he played his guitar. इसको चाहिए बस वो बलराज is so sweet वाला कमेंट। True gentleman. पर यहाँ पे यश आपने लिखा हुआ है कि I never lie about anything. तो अभी सच सच बता दो, दीपक के लिए क्या है आपके मन में? अरे मैं मिला इनसे नीचे, ये बहुत अच्छे आदमी है, मुझे पता है। अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ, तू मुझे नीचे मिला? अरे मेरे कार के पीछे पीछे आ रहा था तू सेल्फी लेने के लिए। सेल्फी लेने के लिए आया था मैं आपके पास। अगु भाई, हाउ बैड वाज इट? ऐसे मत बोलो यार, अब क्या बोले भाई? भाई खराब था भाई, खराब था तो आपके पापा बहुत मारते थे आपको बचपन में? बचपन में मारते थे। फिर उन्हें छोड़ा क्यों आपको मारा? नहीं मतलब आप फिर इसका जोक बना दोगे, लेकिन वो बहुत सीरियस चीज थी। भाई बताओ ना, हम तो सीरियस नहीं, यहाँ पे अच्छे लोग भी बैठे हैं यार। वो क्या पीते थे ना तो आते थे, और फिर मतलब वो गुस्से वाले ही आदमी थे हमेशा से। तो आपने मूवीज में देखा ऐसे बाप मारता था, वैसा वाला सीन था पूरा। मार्क्स कैसे आते थे आपके? मार खाने लायक पढ़ाई में अच्छा नहीं था। हाँ, पढ़ाई में अच्छा नहीं था तो फिर तो गाने में भी अच्छा नहीं था। अच्छा यार ऐसे मत बोलो, तू मुझे बता। मैंने गाना, तू कहता है कि तू कभी झूठ नहीं बोलता है, मतलब तू किसमें अच्छा है? मुझे एक बात बता, गाली खाने के अलावा। मैं लिखता हूँ और बनाता हूँ गाने, अब गा अच्छा नहीं रहा वो अलग बात है। तो गाने लिखते मैंने मैंने एक लड़की के लिए बनाए थे 7-8 गाने। अच्छा, उसने भी मारा? उसकी शादी हो रही है अभी। वो नहीं, उसने नहीं मारा, लेकिन शादी कर रही है वो। शादी कर रही है? हाँ, इससे नहीं, ओ कर रही लोग किसी और से, राइट? हाँ, सुन, अगर उसके शादी में तूने गाना बजाया ना, माँ कसम उसका पति भी मारेगा तुझे। भाई दीपक भाई, इस पे लिखा है इसके पापा ने पॉन पकड़ ली थी और फिर प्ले कर दी इसी के सामने। तो भाई पहले किसका खड़ा हुआ? किसी का नहीं हुआ, किसी का नहीं खड़ा हुआ। क्यों होगा खड़ा वड़ा? अच्छा, तो आप यूज करें बोल्ड केयर। ओह मैन, यश भाई, दैट बुरा तो नहीं लग रहा ना? अपन मिले पहले? नहीं नहीं, जयपुर में जब आप ट्रेन में थे? नए नए थे? नहीं, जयपुर में स्टैंड अप किया था आपने, स्टैंड अप किया था आपने जयपुर। अच्छा, तब मिले थे। आप टिकट लेके आए थे? तब मैं टिकट लेके आया था। आज भी टिकट लेके आना था आपको? हाँ, वैसे ही जोक मारते हो यार। पर कमाने के लिए क्या करते हो आप? एक बात बोलूं, पैसा छोड़, इज्जत कमा। थोड़ा इतना सा भी सैलरी इसमें, इतना थोड़ी इज्जत कमा रहे। अरे मर जा रहे तू, थोड़ी इज्जत कमा रहे। बैठ जा। दीपक भाई थोड़ा बह गए यार, मतलब थोड़ा। आपने कहा कि आप बहुत इमोशनल हो, यहाँ पे लिखा हुआ है, बट माँ कसम गेंडे की चमड़ी आपकी है भाई। अरे मतलब मुझे इतना भी इमोशनल लग रहा है बंदा ना, आपको इसकी आंखों में आंसू? नहीं नहीं, मैं ले रहा हूँ, और मजाक उड़ाओ मेरा भाई। मेरी इज्जत जाती ना, मैं फ्रांस का वीजा लेके आईफल टावर से आत्महत्या कर देता। मैं मुझे अच्छा लगेगा देखो, दर्द है उसकी आंखों में, आप ध्यान से देखो। आपको बुरा तो लग रहा है? आपका बचपन दिखेगा, दिखे वही तो। मुझे भी ऐसा लग रहा है, उसको बुरा लग रहा है, दर्द नहीं है, मर जाए, ये सब नहीं बोलना चाहिए यार। तो ओह माय गॉड, वो भी गिर गया भाई। आप फूंकते हैं, नशे करते हैं? हाँ। नहीं, तो नशे खुद के पैसे से करते हैं, लोग धुआं छोड़ते तो ऐसे करते हो कैसे? क्या बोलता है यार दीपक कलाल। भाई आपको इसकी शक्ल देख के लगता है ये वर्ली सीलिंग के पास रहता होगा। ये विरार के आगे बॉयसर है ना, वहां से आया है। प्लीज यार, सीरियस मत लेना यार दीपक कलाल को। दीपक कलाल यही सब कर रहा है यार। मैं ताज लैंड इसमें रहता हूँ भाई। माँ कसम, मेरे विंडो से अगर दिखाई देगा ना, मैं कमरा चेंज कर लूंगा।
बेसिकली दीपक भाई कह रहे हैं कि आपका फाइनेंशियल स्टेटस कैसा है? सर कुछ नहीं है सर। आदि जोक से भाई मैं बात बताऊं, इसको फेम की नहीं, इसको रोटी की जरूरत है, इसको रोटी दे दो भाई। तू फेम मत कमा, तू रोटी खाने की सोच के दाल का खाना कहां मिलेगा तुझे? तो यश भाई, पर ये आपको थोड़ा कंसर्न ही नहीं लगता कि आपने कहा? कंसर्न ही है, कंसर्न। मतलब सुन तो लो क्या है कंसर्न, क्या है कंसर्न, तो बहुत कुछ है ना कि आपके फैमिली के आप अकेले बच्चे हो, आपने कहा कि आपके यू नो पेरेंट्स उतने अमीर भी नहीं है एंड यू आर डूइंग दिस। तो आई एम डूइंग दिस फॉर दिस शो। सो इन जनरल व्हाट यू आर डूइंग? इन जनरल मैं कोई जॉब कर लेता हूँ कभी कभी। ब्लो जॉब करेगा? कभी कभी जॉब कर लेता हूँ मतलब तो क्या? भाई दीपक भाई इज अ बिट क्रेजी। सो यश भाई यहाँ लिखा है कि आपका चाइल्डहुड बहुत ट्रबल रहा। हाँ रहा है तो वो तो दिख रहा है। पर क्या रहा, व्हाट वाज द बिगेस्ट ट्रॉमा यू हैड? If you are comfortable in telling, yeah, I'm comfortable. तो बताओ फिर क्या? हाँ, मैं मतलब यही कि दोस्त वोस्त नहीं बात करते थे मुझसे। नहीं बात करते थे? हाँ, तो ये बात करेगा मुझसे फिर? अब सब बात करते हैं, अब वो नहीं है जो अभी मैं बता रहा हूँ। पापा भी मारते वारते थे और यही चलता था कि कुछ पढ़ाई में भी अच्छा नहीं था। पढ़ाई में भी अच्छे नहीं थे आप? दीपक भाई आप में कोई इंसानियत नहीं है, वो बेचारा इतना रो रहा है, उसकी लाइफ इतनी मजबूर रही, आप मजाक उड़ा रहे हैं उसका यार। अरे कुछ नहीं, वो एक्टिंग कर रहा है, जाने के टाइम ये सब खा के जाएगा, ये मैं लिख के देता हूँ। इतनी बेशरम है ये, कोड़ा है, गेंडे के चमड़ी का है, माँ कसम मैंने इतना निचड़ और गेंडे के चमड़ी का लड़का है ना पहली बार देखा। यश भाई यू आर हैविंग फन? या यू आर एंजॉयिंग? टोटली टोटली। राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर यश फॉर बीइंग सच अ गुड स्पोर्ट गाइस, कम ऑन कम ऑन। दीपक कलाल को लेना इज, मतलब दीपक कलाल, इट्स नॉट इजी टू फेस दीपक कलाल, लेना इज रियली टफ। आपकी जिंदगी में यश यानी सक्सेस ही नहीं। हां मुझे आपका नाम यश क्यों है? दीपक भाई खाना खा दो मेरे यार। आप अरे यार चुप रहो यार, दीपक भाई को चुप करा रहा, ये लोग नहीं निकल पा रहे। I think we've reached that stage where we have to apologize. Yes, apologize. Sorry भाई, it's out of control भाई this. And score also. Score तो हम score देंगे, रुको, score देने का time आ गया। उससे पहले आखिरी चीज, दीपक भाई अगर जाने से पहले कुछ अच्छा उनको बोल के जाएंगे आप, तो उनका भी दिन बन जाएगा। Something sweet. Something. बस मैं यही कहना चाहूंगा कि आप थोड़ा जल्दी चले जाए बस। बस थोड़ा जल्दी है ना, इतना भी ज्यादा अच्छा नहीं है कि कोई आत्महत्या ही कर रहे हैं। अरे यश भाई आप बैठो यार, यश भाई, यश भाई एक मिनट रुको, यश भाई एक बार यश के लिए जोरदार ताली यार। But nahi yaar Yash bhai, you are really nice and you took everything this guy did to you. Bhai bhai thoda soft yaar thoda. Aur suno, maine tumhe jo bhi bola hai uske liye main yahi kehna chahunga, aadat dal de. To Yash bhai, I really liked you. I am gonna give Devo, you wo nahi hans raha hai jo Aggu hai, wo nahi hans raha hai. 7 aapko Aggu ne 7 diya, 6 yeah aapne diye hain 8 and Balraj bhai 5. I really like the way you played the guitar. Huh? कितना हो गया? तो इनका एवरेज होता है 6, 7.5. अरे यार कोई बात नहीं, थैंक यू सो फॉर जॉइनिंग यश शर्मा भाई। यश बहुत ही अच्छा लगा। जो अगले बंदे ने जो लिखा है इधर, उसका आई थिंक कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हुआ है, आई थिंक ही मेंट रैपिंग। हाँ क्या लिखा है? So make some noise for Rushikesh Jadhav, aka MC Azad. MC Azad. Mihir Shinde, aka Beat Machine. Oh, दो बंदे। भाई आप ही ने लिखा है ये? दो पी होते हैं रैपिंग में, बस ये letting you know. क्या? एक बार जोर आता लिया फॉर है मैम। ओह भाई। उनका काम कर नहीं आता। Check check. Wait. Let's go. Oh, bhai. Kuch tagda aane wala hai. Check. Yo. Check. Bhai, beat boxing bas. Basun sagla hota mala bhai ekda chika aur porokda cha ekna ratri night. Ekoti vel lavrani thevla hota dabun atamchi vel bas market ka khaun mota label var pan
मोठ्या शोज वर पण मराठी रॅपर दिसू लागले तिला बोर्ड वर पण तुझा तोंड मन कर हसलने तुला आमचं व्हाईट लवडे ये नंतर समजा व्हायला वेळ नाही केलाय जे केलं कसं पण केलं लवडे केले आम्ही हे फक्त होते बघा तो होते हसत होते वडत पाठी कोण पण नव्हतं भाऊ लवडे लाव लागून बघा नादी हा इशारा आहे नाहीतर देव तो समज धमकी यांचा तुझ्या भाऊ उभा राहून बघितला मी गर्दी मर्रा हद्दीत नको फुकटची काळा खोड मुंबई आपलीच आवाज पण आपलाच मादर चोर मुंबई आपलीच आवाज पण आपलाच मुंबई आपलीच आवाज पण आपलाच मादर चोर मुंबई आपलीच आवाज पण आपलाच दीपक करायचं आवाज पण आपलाच तुमने मुझे खुश भी जांच कर दिया सगळे उभे राहिले अगो भाई हाजी तू समझ में आया बस महादर चोर समझ में मादर जो से आया दीपक भाई अच्छा कैसा लगा आपको मुझे गाने तो उसके अच्छे लगे लेकिन एकदम सही बोला भाई समय मेरे कान में क्यों घुस रहे भाई मेरा दिमाग वहाँ पे है लेकिन मेरी आत्मा यहाँ बोल्ड केयर एक पेपर स्प्रे बनाओ यार फटाफट इज दैट बलराज फादर भाई सर प्लीज 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 अरे आ जाओ एक बार पापा आप सही शो चुने आने के लिए पापा लेट्स गो फाइनली गाइस फाइनली वी हैव द ओनर ऑफ हैबिटेट कैसे हो सर कैसे हो सर थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग यार आओ बैठो यार नहीं उसकी जगह बैठो उसकी जगह अरे आओ ना यार यस हेलो लव यू सामने वाले को भी कर देता है महीप जी कैसे तो महीप जी की याद आ गई कैसे आपका आज यहाँ कैसे आ गया अबे मर्सिडीज से इट्स लवली टू बी हियर ऑन योर शो एंड विश यू ऑल द बेस्ट यू गाइस आर डूइंग ऑसम ग्रेट यू कांग्रेस थैंक यू सो मच सर जस्ट कांग्रेस आपको आपको कैसे लगा इनका परफॉर्मेंस टू गुड तो आपकी फेवरेट लाइन कौन सी थी सर इनके लिरिक्स में अच्छा कोई नहीं कोई लाइन अच्छी नहीं थी फेवरेट कुछ मेरी फेवरेट लाइन थी ए आई जवाड़िया तुझे आई चा गाड़ी अरे यार ऐसा कोई लाइन नहीं था मेरे बस में सॉरी यार मुझे रात को फोन करना कल दोपहर को फोन करना माँ का मोबाइल स्विच ऑफ ही आएगा तो आप में से एमसी आजाद कौन है अच्छा तो एमसी आजाद क्यों रखा है आपने नाम खुला छोड़ दिया इसको क्या 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 आजाद कर दिया वो सांड को कैसे तबेले में से आजाद कर देते अरे यार वैसे आजाद गाली दे गंदा बोल पेटीकोट पहन चोर बाजार रहा गंदे काम इसको खुला छोड़ दिया नंगड़ आदमी है ये अरे नहीं नहीं ये स्टोरी नहीं है स्टोरी यही है कि मैं मतलब सब जगह अकेले घूमते रहता हूँ मतलब पहले से मेरा नेचर वैसा है नहीं तो सब लोग कैसे बंटा चलना इवेंट है इधर जाते हो मैं खाली कॉल करता हूँ बंटा आ रहा है कि नहीं नहीं मैं जा रहा हूँ चल तो वैसे आजाद हूँ कहीं पर भी जाता हूँ अकेले घूमते रहता हूँ यहाँ वहाँ ना मैं रुकता नहीं किसके लिए क्या बात है यहाँ गोल इन लाइफ आप दोनों में से किसने लिखा हुआ है मैंने लिखा है वाना हग माय डैड यस ये मेरा बहुत पर्सनल है भाई वाओ क्योंकि मैंने बादशाह का एपिसोड देखा था प्रखर के प्रवचन में जिनके पास सब कुछ है शौहरत है दौलत है सब कुछ है बट उन लोग बोलते हैं कि आज तक पापा को हग नहीं कर पाया
दीपक दलाल यार, मैंने लिखा हो दीपक भाई उनको अपने पापा को हक करना है, अपने पापा को। तुझे पता है मैं तेरा पापा हूँ? पूछ ले, तू मेरे पापा नहीं हो भाई, मेरे को मेरा बाप मालूम है कौन है, तुम्हारा बाप नहीं मालूम। भाई तुम दुख करो, भूल गए क्या? बता बता भाई, आपके पापा को हक करना है? वही वही, मतलब अगर कल सब कुछ मिल भी जाए, अगर पापा को हक नहीं कर पाए तो भाई मतलब तो पापा को हक, कहाँ है पापा आपके? काम पे रहेंगे, अभी घर पे रहेंगे, काम पे रहेंगे। तो आप भाई तो हक कर ले ला, भाई। नहीं नहीं नहीं, वैसे नहीं भाई, अभी कुछ बोल रहा हूँ ना, बहुत टाइम हो गया, अभी 5 मिनट बच के बात भी नहीं किया पापा से, समझ रहे हो? मतलब टेंशन है क्या? टेंशन नहीं भाई, ऐसा नहीं बोल सकते, अभी तक इतने टाइम से घिस रहा हूँ, मोर देन वन डिकेड आई एम इन दिस हिप हॉप सीन, है ना, तो कुछ अचीवमेंट्स वगैरह नहीं है, कुछ नहीं जो मैं हक से बोल सकूं, पापा की आता मैं केला है ना भाई, कन हक भी तो ऐसा कुछ नहीं। पापा ने बोला आई जवड़ा, तो मेरे पापा आपके पापा जैसे आपके जैसे नहीं है ना, वो सादे सिंपल है। लड़ाई हो गई, लड़ाई हो गई, लड़ाई हो गई, वही तो बहुत ज्यादा हो, यश को तो कितना कुछ बोला यार, इट्स प्लान बी, वेरी बैड। प्लान बी मतलब क्यों मालूम? अभी जो मेरा स्ट्रगल चल रहा है, हसल चल रहा है भाई, 26 का हो गया हूँ, तो मम्मी पापा बोले शादी वादी ये सब वगैरह वगैरह, है ना, कल क्योंकि मैं अब जैसे आपको बोला कि 24/7 म्यूज़िक ही चलता रहता है, अगर इसमें कुछ हो ना जाए, अगर शादी वादी हो ना जाए बनता है, तो कल तो कुकिंग मेरे को ही करना है, मेरे को ही खाना है, मेरे को ही रहना है, तो इसलिए ये प्लान भी है मेरा भाई। सब्जी घर लाने के लिए पैसे तो चाहिए होंगे ना? हाँ, तो वो प्लान ही का कुछ सब्जी नहीं हो, जुगाड़ हो जाता है भाई उसका कोई। अरे सब्जी नहीं तो आठ बार खा ले। क्या क्या सब्जी? नहीं कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। हाँ हाँ, दीपक कलाल का भाई। ऋषिकेश भाई, आपने 12 साल स्ट्रगल किया लाइफ में, बट डू यू स्टिल थिंक दिस इज मोर पेनफुल? व्हाट यू? नहीं भाई, मैं बस ऐसे मजे करने आया था, हंसने आया था, हंसाने आया था, बहुत सारे पॉडकास्ट वीडियोस वगैरह मैं देखते रहता हूँ, मैं शो की बात करूंगा, ठीक है, मैं सब एपिसोड्स वगैरह देखा, बहुत हंसा हो भाई, और तुम सबको जितने भी टीम है आप, जो भी जो क्रिएटर है आप ही है शायद, है ना, तो सबको सल्यूट देता हूँ भाई। शायद पूरे इंडिया को हंसा रहे हो, हम भी हंस रहे, सब लोग हंस रहे, बहुत भारी लग रहा है भाई। थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू। एक्सक्यूज मी, हेलो, मैं सिर्फ इंडिया को नहीं, मेरे जो वीडियोस है एस्किमो जो है इग्लूज में बैठ के देखते हैं, लंडनर्स, पैरिशन, न्यूयॉर्कर्स, नेदरलैंडर्स, टोरंटोनियंस मेरे वीडियो देखते हैं, मैं इंडिया को नहीं, मैं दुनिया को हंसाता हूं। समय रहना परेशान हो रहा है यार। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा तो चलो स्कोर करें, लेट्स स्कोर करते हैं। मैंने दिए दीपक कलाल को 0 marks, मैंने दिया -10। दीपक कलाल, दीपक आप इंसान, इंसानियत का है आपके अंदर की भाई? मैं मसीहा हूँ, इंसान नहीं। दीपक कलाल मैन, गाइस एवरीवन मूव्स अगेंस्ट अबॉर्शन, दीपक कलाल, that's the reason you mark aata hai. Okay man, time to score you yaar, genuinely I fucking loved you guys man. Yes, you know I'm giving you a and log isko popular puchna chahta hai ki nahi, thank you so much, thank you so much, mujhe aap bahut acche lage, thank you, aur main aapko palunga, so I have given you a 10/10 mere bhai, fucking epic, 10 ho gaya bhai from Agu bhai. भाई मैं भी आपको दूंगा 10 में से 0.10, सॉरी 10 में से 10, 10 में से 10 किसको देता नहीं हूँ, मैंने दिया पूरा ले ले, तो 10 फ्रॉम यू एंड ऑफ कोर्स यू आल्सो, तो आई वुड लाइक सर रेट दिस वन लवड़िया। बोला बोला बोला, तुम्ही दोगे इतका नेचुरल आहोत, मनी भूली जाओ, बोल जाओ, फॉरगेट मनी, मनी विल कम टू यू, थैंक यू, जस्ट फोकस ऑन योर रैप, यू आर नेचुरल। क्या बात है भाई, 10 out of 10, बोथ ऑफ एक्सीलेंट, दैट मेक्स योर एवरेज 10 out of 10। मेरे को मालूम था भाई, यू डिजर्व दैट, ओह शिट, डिजर्व दैट, जीत जाएगा लग रहा है। मेरे को मालूम था 10 out of 10 लेके जाएंगे, अपन फुल कॉन्फिडेंस था, बोला भाई ये स्टेज अलग है, थोड़ा आगे पीछे हो सकता है करके, मैं 8 out of 5 मतलब 8.5 लिखा, 10 out of 10 लेके जाते हैं, मेरे को मालूम था, बट थोड़ा स्टेज अलग है, पब्लिक अलग है सब, इसलिए बोला भाई कम करेंगे भाई यार। लेकिन यार रैप समझने वाले लोग भी हैं, डोंट अंडरएस्टिमेट योरसेल्फ, यू विल मेक बिग। सुपर 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 भाई, सुपर सुपर। मैं इनकी पप्पी लेना चाहूंगा क्योंकि लोगों ने मुझे बोल दिया ना ना, उससे हाथ नहीं मिला है।
निकल लाउडे है सही किया दीपक कलाल हम लोगों को फॉलो करना मत भूलना मेरा भाई एमसी आजाद और मेरा नाम बीट मशीन 95 थैंक यू सो मच फॉलो करना तो सर आपको अगर जो जैसे व्हेनेवर यू वांट टू लीव यू कैन लीव यार दिस इज नॉट कश्मीर वी वोंट फोर्स यू ओह माय गॉड समय भाई जाते जाते बस इतना आपको मैं करेक्ट करते जाऊंगा जो आपने कहा बिफोर कॉलिंग मी ऑन स्टेज कि हैबिटेट के ओनर आ रहे हैं ओनर यहाँ पर बैठे हैं हैबिटेट इट्स बलराज हैबिटेट एंड बलराज आर सिनोनिमस नेपोटिज्म वर्क्स गाइस दैट्स हाउ नेपोटिज्म सो माय बेस्ट विशेस हैबिटेट में आते रहो एंजॉय करते रहो हंसते रहो यूं ही कीप इट अप बोथ ऑफ यू गाइस एंड थैंक यू सो मच यार राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर मिस्टर परमजीत सिंह हाय परमजीत सिंह हाय ओके आर वी रेडी फॉर सम स्टैंड अप कॉमेडी ओ मेक सम नॉइस फॉर भव्या शाह ओ लड़की फाइनली ओ ओ आई थॉट लड़की आएगी ये तो दो लोग आ गए एक बार जोर तालियां फॉर भव्या शाह एवरीवन ओ भाई मुझे लगा कि दो लोग होंगे एक सेकंड ना एक स्टेप लेफ्ट ले लो हाँ थैंक यू हाँ फॉर मेनी ऑफ यू दिस मे बी योर फर्स्ट टाइम सीइंग मी बट ओ माय गॉड दिस इज आल्सो माय जीरोथ टाइम सीइंग ऑल ऑफ यू इफ यू हैव एवर मेट अ ब्लाइंड पर्सन बिफोर रेज योर हैंड I mean, give me a cheer. For those of you not laughing right now, nice to meet you. I should introduce myself. My name is Bhavya Shah, and I study mathematics and computer science at Stanford University. Whoa. Thank you. Thank you so much. So when my joke doesn't land, you should feel dumb for not getting it. Oh, because I am a highly educated person. Basic blind jokes. But I don't want to do those. I want to level you up. So I'm going to tell you a Kashmir joke instead. Let's go. Samar bhai, I really feel for the people of Kashmir because the life of a Kashmiri is just like the life of a blind person. Dono blackout mein jeete hai. I didn't like this. Aggu bhai. I hate racism because I cannot participate in it. Oh God, that's pretty mar diya. I am a feminist. I believe in equality. So whenever I'm having sex with someone, I blindfold them. Oh. दीपक कलाल को देखो भाई माइक लेके हंस रहा है उसमें डायलॉग था कितने आदमी थे एज अ ब्लाइंड पर्सन द क्वेश्चन यू गेट फ्रॉम बुलीज इज कितने उंगली है मेरा जवाब सिंपल है एक ओह नाइस दैट्स माय टाइम लेट्स गो नाइस Oh my God, he was blind. No, I mean, he is blind. मुझे लगा कि यार. Man, you are so good, यार भव्या शाह. I was जोरदार था. Oh my God, मुझे समझ नहीं आया. पहले मुझे लगा दो लोग कैसे आ रहे हैं यार. भव्या शाह ही बोला था. Bro. नहीं मुझे भव्या लगा ना girl का नाम है. Can you see us at all or you cannot see us at all? नहीं fully blind. Fully blind. Fully blind. Oh my God. You speak braille? Don't speak braille. Oh yeah, you feel sorry. Braille language कोई बोलता है क्या यार? मैं उतना ही braille बोलता हूँ जितना समय कश्मीरी. मैं तो बोलता हूँ कश्मीरी भाई. क्या बचाओ बचाओ. Oh my. Braille language को बोलने को कह रहा है.
भाई बोल तो वो सकता ही है. दिस इज एक्चुअली ट्रू, नॉट ट्राइंग टू बटर यू अप. मैंने अपना पहला ओपन माइक किया था, उसके पहले आपकी और विदित की दोनों अंडरस्टैंडिंग कॉमेडी वाली स्ट्रीम्स देखी थी. ओ वाओ वाओ वाओ, देखी थी. देखी थी मतलब देखी थी मतलब सुनी थी. आई लाइक यू, यू आर वेरी नाइस. आई विश आई कुड से द सेम. ओ दीपक कलाल की सब ले रहे यार सब. सही हो रहा है भाई, ये पहला वाला बंदा जो है तो कुछ ज्यादा ही सीधा था भाई. उसे दीपक जी ने थूक दिया क्या? ओ भाई भाई देखो भाई, ऐसे लोग मतलब कुछ मतलब सही बात है यार, हर जगह से भाई मार खा रहा है बेचारा दीपक कलाल. क्या हालत है भाई बंदे की. एक और सुनोगे दीपक कलाल जोक? हो जा, हो जा, हो जा. रिसेंटली रक्षाबंधन था, तो अनलाइक दीपक कलाल मैंने अभी भी बांध रखी अपनी राखी. क्या बात है, क्या बात है. अरे वाह दीपक भाई. और इसकी इसकी गान मार दो भाई. भाई और मजा आ रहा है. अरे यार तो भव्य भाई, ये आपको बचपन से you're born like this? नहीं नहीं, it happened later in life. Okay. किसी के प्यार में अंधा हो गया. What? बहुत भारी पड़ गया ये प्यार. चोक था. Wow. हाँ, इतना कॉन्फिडेंस कैसे है आप में? Like that's so good and so inspiring. And so confident. I also feel down. There are days, but फिर मैं दीपक कलाल के बारे में सोच लेता हूँ. सही बात है यार, क्या मोटिवेशन दिया है भाई ने. और मैं भी ऐसा ही सोचता था भाई, जब दीपक कलाल जैसे लोग सर्वाइव कर सकते हैं. ओ भाई जो नहीं देख रहा है उसको भी छू दे रहा है. दीपक कलाल हर किसी से कह रहा है यार भाई, अंधे काड़े सब लोग सब सबसे मस्त. ओह but like you use YouTube and everything. I do. Would you like to demonstrate? Yeah, sure. I have my phone. Oh. But this is on 2x speed, 3x. What is this? No, internet kam hai yahan pe shayad isse. 4x. 4x. You listen at 4x. Ha, slow karu. Ha. What the fuck? Battery 10%. So tell me something. You have the ability to listen at 4x is what you're saying, at a higher speed than what normally people can. नहीं नहीं, वो दीपक कलाल की वीडियो आती है तो तेज से चलाता है वो. भाई टैलेंट है यार. Like this is not usually the YouTube we watch, right? Okay. नहीं, it is the YouTube that everyone else watches. बस मेरा जो स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर है वो एफिशिएंसी के लिए मैंने उसकी स्पीड ओवर टाइम बढ़ा दी है. ड्राइविंग भाभीया तुम्हें कहा है कि मुझे रुको ना. मुझे पानी पीना बहुत पसंद है, लंड पिएगा मेरा क्या भाई. मेरी आंखें हैं फिर भी दीपक का लंड नहीं दिखेगा मुझे. अरे यार दीपक कलाल इज रियली बैड यार, रियली बैड. उसने कहा है ड्राइविंग टूरी खराब है. What the fuck? आप गाड़ी भी चलाते हैं? ड्राइविंग भी करते हैं क्या? भोग दिया गाड़ी. अंधा है क्या? हाँ भाई. हाँ भाई अंधा ही हूँ. No. भाई यहाँ लिखा है three things you cannot live without is Blackpink. What? What the fuck is that? What the? K-pop girl group है. बहुत बढ़िया है, सुनना कभी. Nice. तो आपको K-pop की लड़कियों का गाना पसंद है? हाँ. भाई बड़े शर्मा रहे हैं भाई. Bro, do you watch porn? Oh भाई कैसे दे? How can he watch यार? सही बात है. Porn and all that. Listen. महसूस करते हो? Do you? अब जाना. सर्च बॉक्स में डालना ऑडियो डिस्क्राइब्ड कैटेगरी. ओह. Oh
ऑनलाइन एंड के इंटरनेट ट्रैफिक पे आज क्या होने वाला है? ओह भाई, हमने सोचा भी नहीं यार। भाई क्या बात है यार, ये बंदा बहुत इंटरेस्टिंग है भाई। अंधे लोगों के बारे में बहुत कुछ बता रहा है यार। Likewise. You are coming to Taj Landed today. Boy, he is very intelligent also. मेरे पास डंडा है यहाँ पे। डंडे के साथ तुझे कल सुबह तक लगड़ा भी बना दूँगा। Oh my, ये दीपक कलानी so inhuman. अबे भाई, ये जो आपकी condition है जो, is this curable? Like, can you जो organ donation होता है, eyes वो transplant उसे हो पाता है कुछ? उसमें actually सिर्फ cornea transplant होता है। मेरा दूसरा आँख का हिस्सा रेटना खराब है, so that's why that's inapplicable. So sad, very sad. Just like your life. Oh my god! भाई के पास hats off यार, hats off दो बार इन्होंने फोड़ा है वो. Oh my god, इनको win कराना चाहिए यार. भाई क्या बात है यार. Just like your life. Oh my God, he is very very smart यार, बहुत हाजिर जवाबी। माँ छोड़ दी इसने भाई। पूरी? आंखें खोल दी सबकी। खुद की आंखें नहीं है लेकिन आगे को। जी पे मेरी गंदी नजर लग गई है। Oh my God! Oh my God! Hands off, भाई, salute है भाई, रुबिया को भाई, क्या बात है यार। बहुत सही यार, यश का बदला ले रहा है भाई ये बंदा। What do you want in life, man? भाई यश का बदला अच्छे से लिया है भाई बंदे ने। भव्य भाई स्टैंड अप कर रहा हो अभी, उसी में आगे थोड़ा ट्राई करना है। सो सो कूल मैन। एंड अभी आर यू हियर? आई एम हियर टिल द एंड ऑफ दिस ईयर। यस, ओके ओके। एंड सितंबर 21st का ऑलरेडी दे दिया है मैंने। आर यू फ्री ऑन 30th सितंबर? 30th सितंबर, यस सर। वुड यू लाइक टू ओपन द शो? आई वुड लव टू। मिल गया काम। I'll see. No way, Samay. No way, man. There is no show on 30th September, but for sure in October I'll be doing another show, and I will call you for that. Thank you so much. Thank you so much for coming here. Thank you so much. Samay, mujhe ye laga. Like, do you have like good 10 minutes? I do. I have a tight 10. For sure. Let's do it for you then. Thank you. In October or November for sure. Thank you so much. Is there anything you would like to say? Because you are very inspiring, bhai. Okay, you don't know how inspired. Like, हमारी गान फट गई आपको देख के। You are fucking amazing. You are a fucking legendary person. I've never met someone like you. Yes. भाई क्या बात है यार, दीपक कलाल की लगा दी भाई, all legendary हो गया भाई। तो just any motivational words, because many people are going through shit in lives, and how do they turn their life around, and how do they get the confidence to live? Like you do. कुछ नहीं, मजे करो, मेहनत करो, और कभी भी जिंदगी में चुनौती आए तो दीपक कलाल देख लो। एकदम सही, एकदम सही। Let's fucking go, guys. तो it's time to score, Bhavya Shah. जिताओ यार, जिताओ इसको, जिताओ। 9. Because I don't think he'll give himself a 10. I'm going by my gut feeling, bhai. I want him to win. I think he'll give himself a 10. 10, okay. 10 from Deepak Kalal. 8.5. 8.5, man. This all comes down to Balraj, guy. I'll 6. Give a 9. So that makes your average 9.5. Please. Nah. No. 8.5. 9. Oh shit. Shit. You were fucking right, bro. Bro, I was so right, man. That's why I also gave a 9, dude. I was like, fuck, it's us two. This show sucks, man. Oh my god.
Thank you so much for having bro, me. This fucking was such I love an you, honor. My wife. I fucking love you, my wife. Thank you so much, my wife. This guy, man. भाई एक बार सुना था भविष्य बहुत ही ज्यादा इंटेलेक्चुअल था यार तो गाइस आई हैव अ वेरी अनफॉर्चुनेट न्यूज टू शेयर कोई विनर नहीं मिला रिफंड इज अ वेरी बोरिंग थिंग टू डू सो हाउ अबाउट वी गिव्स यू समथिंग क्रेजी क्रेजी सो मेक सम नॉइज फॉर द फाइनल सरप्राइज एक्ट पुनीत सुपरस्टार क्या अरे बाप रे पुनीत सुपरस्टार का नाम सुनकर सब उठ के खड़े हो गए समय भाई इसमें पुनीत भी है तो कैसे हो मेरा रील्स का चाहने वाले और कैसे हो समय राणा का चाहने वाले हो जो है मुझे परफॉर्म करने का मौका मिला है और सारे के सारे मुझे ऐसा लग रहा है कोठी बंगले वाले लड़के बैठे हुए हैं कोठी और प्रॉपर जो है कोठी बंगले वाली वाइब आ रही है और मेरे दोस्तों आजकल के नल्ले बेरोजगार कुछ छबरी यहाँ पे जज भी बैठा हुआ है ये साले आजकल के नल्ले बेरोजगार छबरी भिगमंगे चोर छेप कतरे और साले छप्पन चोर खसी कलोनी के भिगमंगे लड़के अपना नकली नाम दीपक कराल छाट रख लेते हैं ताकि बड़ी बड़ी कोटी बंगले वाली लड़कियों को लगे कि ये बिगमंगा चोर साला कोई कोटी बंगले वाला है ये साले दीपक कराल ने तीन घंटे से बैठे बैठे टट्टी कर दी है और साले लोगों को लगे कोई कोटी बंगले वाला लड़का है ये साला चोर कल मैं इसके ताज होटल में गया तो ये साला मुझे बोलता है मेरे ताज होटल का कमरा लिया है 40,000-50,000 अब चोर साले ये बता कि तुझे समय रैना ने जो है बिगमंगों के इधर उधर को होटल दिया खाने के लिए दिया साले बिगमंगे चोर साला 52 साल का बुड्ढा यहाँ पे जजमेंट कर रहा है साला चोर बाजार का कोट पैंट पहन के आ गया साले चोर बुड्ढा साला साला आपका करोड़पति बताता है साला इतने दिन से फोड़ा लेके घूम रहा है साले बेटे साले चोर बाजार से साला कमाटी बुरा में साला 250 रुपए में ठगाई करता है मीठा साला लोगों को साले लोगों की मारने की इज्जत नहीं करता भाई पुनीत भाई और मारो उसकी जान और मारो कोई बात नहीं पुनीत भाई थैंक यू सो मच फॉर कमिंग पुनीत भाई तो दीपक भाई ये साला जोगिंदर करके बहन को गालियां देता है साला क्या खुद इतना बड़ा भिखारी है दिल्ली में आके गुजरों के पैसों का तलवा चाटता है साले की लाइन देखो इसको समय रहना ने साले ने ताज समय रहना ने ताज होटल में ऐसा 3 दिन के लिए कमरा दिया है और साला भिखारी कहता है मैंने अपने पैसों से लिया है चोर साले साले ये साला मीठा इनको जज करेगा अबे तुम झाटू हो गए इसको इससे जजमेंट ले रहे हो तुम लोग ये झाटू दीपक कराल से जजमेंट ले रहे हो अबे सालो इनसे ज्यादा कॉमेडी किंग तुम हो इनसे ज्यादा कॉमेडी है तुम हो ये साला झाट की दुकान ये बताएगा तुम लोगों का परफॉर्मेंस कैसे करेगा पुनीत भाई पुरी भाई शोक एक सेकंड दीपक कराल मीठा रोको यार तेरा मुंह में पेशाब करके चले जाएंगे कॉमेडी मुझे एक सेकेंड पुनीत भाई का हमने सुन लिया पुनीत भाई एक सेकंड सारा ये झाटू कल ताज होटल में गया मैं
साले ये साला ये साला ये समय रहने का टुकड़ा में पल रहा है मुंबई में आके और साला मेरे को बोल रहा है ये समय रहने का टुकड़ा में पल रहा है मुंबई में आके और ये साला बोलता है कि मैंने 40,000 रुपए का कर लिया है कल मैं शीश के ताज होटल गया परसों मिलने मुझे कहता भाई मैंने तो 65,000 का कमरा लिया है लाइव डाली है इसने ये बोल इन लोगों को कि 3 दिन से तू समय रहना का खाता है मुंबई में और समय रहना तेरे को इज्जत दे रहा है ये साला दोगला आदमी इतना बड़ा दोगला है इतना बड़ा दोगला है ये साला टट्टी है टट्टी फोको तालिया देखो यार हमारे गेस्ट हैं वो यार तो ऑफ कोर्स उनको हम स्टे तो देंगे यार इट्स फ्रॉम अस तो इसके दोगे तो ये बोलो ना ये बोलना कि आखिर ये सिमर है इसको इसके 299 के कमरे में भेज दो यो यो रूम में 299 के कमरे में रहता है ये 299 के कमरे में रहता है कि तेरे को होटल समय रहना लेके दिया भाई तू वो तो गेस्ट है ना वो तो बोल साल तो ये अपना कैसे बता रहा है भाई इन्हीं का यार होटल तो इन्हीं का यार समय रहना भाई मेरे पास सुनो प्यार से बात करो समय रहना के पास मैं 5 दिन पहले समय भाई का मेरे पे फोन आया कहता भाई ऐसी ऐसी बात है मैं ला ठीक है समय भाई ने मुझे होटल करके दिया मैं खुद कबूलता हूँ भाई मैं ये क्यों बोलूंगा कि मैंने अपने बच्चों कराए कराए पूरी दुनिया के सामने बोलता हूँ ये छाट की दुकान ये कैसे बोलता है कि मैंने अपने बच्चों कराया भाई ठीक है पुनीत भाई देखो आप अगर बोलने वाले बन रहे हो तो सुनने वाले भी तो बनो दो मिनट ये भाई कोट पहन के साला भाई ठीक है पुनीत भाई देखो आप अगर आप सुन भी तो लो यार आपने इतना बोल दिया आपने सुन तो लो भाई तो एक बार दीपा भाई के लिए जोरदार तालियां यार देखो यार पुनीत भाई हमारे गेस्ट हैं दीपक भाई यही चुटी भाई आप दोनों भाई आए तो इधर आ भाई अगू भाई देखो चाहे जो भी हो भाई हम सबको एक दिन मरना है भाई तो क्यों हम इतनी लड़ाई वड़ाई में रह रहे हैं सुन जिसकी रोटी खाता है अगर तू सलाम नहीं लेगा कोई नहीं भाई मारूंगा साला तुझे तो कोई रोटी खा तो एक टट्टी खाता है कोई नहीं बाहर निकल साला भाई रुक जा यार तेरा हाथ के नीचे जा रहा है कोट भाई बोलने तो दो उनको यार थोड़ा मुझे अबरू नुकसान भरपाई का दावा ठोकना होगा मुझे 2 करोड़ डॉलर्स किसी भी हालत में चाहिए मेरी मम्मी लोलो कलार और पापा पोको पलाल को भी फोन करके मैं तुम्हारे ऊपर अबरू नुकसान भरपाई का दावा ठोकूंगा ये मेरे कैरेक्टर के ऊपर लांछन है मेरे चरित्र के ऊपर बट्टा लगाया है तुमने सोशल मीडिया पे लोग मुझे हमेशा पराया समझते हैं क्योंकि दोस्ती वो होती है जब आप साथ में ट्रेन में ट्रैवल करते हो एक समोसा 1/2 करके खाया है थारा भाई जोगिंदर और पुनीत ने दोनों में प्यार है तुम्हें बताएं मुझे दिक्कत क्यों है दोस्त बनाने में क्योंकि मेरे मम्मी डैडी अमेरिका से हैं मेरी मम्मी जो है वो मेक्सिको में पार्टी करती है और इसकी मम्मी कहते हैं बेटा मुझे आगरा लेके चल मेरी मम्मी जब मैं रोता था तो गाना गाती थी जिंगल माल जिंगल बाल जिंगल ऑल द वे और इसकी मम्मी गाना गाती थी सो जा मेरे भड़बिया सो जा मेरे लौड़िया अरे अरे बाप रे मेरी मम्मी का नाम भाई अब्दू भाई खाली देख रहा है बैठ के इसकी मम्मी का नाम शकुंतला है मैं कहता हूँ अलेक्सा ओपन द डोर सीरी ओपन द डोर अगर सुन तू असली कॉमेडी किंग बन रहा है ना मेरे माँ बाप के अलावा मेरे परिवार के अलावा मेरे पे सिर्फ कमेंट पास लेकिन तुम्हारा पूरा परिवार कॉमेडी है अरे भाई मारपीट ना हो जाए इसे यहीं मारूंगा कोई नहीं बचाएगा इसे यहाँ पर पूरे सेट के अंदर यहीं नंगा कर दूंगा अकेला आया हूँ अकेला मुंबई में अगर सुन अगर ये असली कॉमेडी किंग है असली कॉमेडी का रूल क्या होता है असली जो जेन्युइन कॉमेडी मैन होता है मैं खुद का मजाक उड़ाता हूँ कॉमेडी का एक बहुत बड़ा रूल होता है टू बी अ गुड लिसनर ऑल्सो ठीक है तो एक सेकंड जरा बैठ जाइए प्लीज ये ऑडियंस पूरी 150 ऑडियंस बैठी है दे बीन लिसनिंग टू अस फॉर द लास्ट 2 आवर्स ओके सो लेट्स लेट दीपक भाई
who's been a judge on our panel this evening. Let's give him a round of applause for being such a warm person, such a warm personality today. Warm personality? Deepak jeet sakte bhai. Chup baith. Arre re. Chup baith. Seriously, देखो मेरा प्रॉब्लम क्या है, मेरे दोस्त क्यों नहीं है, क्योंकि मैं एक वेल टू डू फैमिली से हूँ, इसीलिए मेरे दोस्त नहीं है. अगर मैं इसके साथ ट्रेन में घूमू, इसके साथ 299 के कमरे में रहूं, तो ये मुझे अपना मानेगा. मेरी गलती यही है कि मैं एक टैलेंटेड बंदा हूँ, मैं इंग्लिश में पोएम्स लिखता हूँ, टैलेंटेड, और मेरे पास चैलेंज है. कल जाके अगर मैं ऐसे टट्टी बटन को लगा के ये सब अगर मैं करने लगूं, तो मुझे भी रिक्शा ड्राइवर, टायर पंचर्स, ये सब लोग फॉलो करेंगे. देखो मुझे कम लोग फॉलो करते हैं, लेकिन जितने भी फॉलो करते हैं, समय रहना, देखो समय रहना फॉलो करता है. ये मेरे ह्यूमर को समझता है, ये मेरे टैलेंट को समझता है. भाई समय किसके फॉलो करता है? ये तो बोल दे कि या मैं समय रहना के होटल पैसों ये बोल दे, बस ये बोल दे. अगर तू तुझे तेरी माँ की का समय ये बोल दे, बस मैं शांत हो जाऊंगा. जो तेरे को मुंबई में रहने के लिए खाड़ दे रहा है, जो तेरे को खाने के लिए दे रहा है, जब तू उसी का नाम नहीं ले सकता, उसी की इज्जत नहीं कर सकता, तो तू क्या कॉमेडी का झाट करेगा साले? ठीक है, जितने भी लोग हैं उनको मैं ये कहना चाहूंगा कि मैंने समय रैना की हराम की रोटी खाई है. कैसे कर रहा है यार? भाई सुनो, आप जो चाहते थे इन्हें बोल दिया, इससे कोई जरूरत नहीं थी. दीपक भाई बहुत अच्छे आदमी है, जोर आता है दीपक भाई के लिए. देखो मैं समय रैना का गेस्ट हूं, राइट, मैंने खाया, बट इससे तो आके क्यों खाया वहां पे? भाई माँ कसम, भाई ताज मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ, 10 रोटी उसके बाद में भाई इतनी दाल मखनी, और तुम्हें पता है लिटरली मतलब वो जो हाउसकीपिंग वाले हैं ना क्लीनिंग करने के लिए, भाई ऐसे ले रहा था जैसे कुत्ता चाट के खा गया अपने, कुछ भी नहीं था. पैसे वैसे कुछ नहीं रखे, आपने बहुत लड़ाई कर ली, बहुत सालों तक लड़ाई कर ली. मैं क्या कहता हूँ अभी, दोनों ये आप पकड़िए, ये आप पकड़िए, और ये आप पकड़िए. पुनीत भाई ये दोनों कॉन्डम आप दोनों रखें, और कभी बच्चे पैदा मत करना आप दोनों. एक बार पुनीत भाई, और आप अगर आप दोनों को मेरा कुछ भी इज्जत है, प्यार है, तो भाई भाई सुनो, भाई सुनिए, लड़ाई लड़ाई माफ करो, और सारे पुराने बातों पर मिठी मारो. और एक बार जोरदार हक हो जाए भाई दोनों का यार, जोरदार हक हो जाए. अरे यार खत्म करो यार अभी. Guys, do you want to see them both as friends? भाई हो जाए फिर, हो जाए भाई. ठीक है, तो आज की पार्टी पुनीत की तरफ से. जब मेरी पार्टी होती है 70-80 हज़ार की होती है, पैसे होनी चाहिए, ये नहीं कि रेलवे स्टेशन पे जाके समोसे खा गए. भाई देखो जो भी यहाँ चीज हुई, दीपक भाई अपना भाई है और बड़ा भाई है भाई, और ये बात जोरदार तरह जो है भाई, सबको सच भाई एक बार बता, पुलमैन में तू क्यों करेगा खर्चा? जो तेरे को बुला रहा है पुलमैन, एक मिनट, सुनो, वो गले तभी लगाएंगे आपके साथ जब आप सिर्फ उनके बारे में कुछ अच्छा कहोगे. एक 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 चीज अच्छा बोल दीजिए उनके बारे में, एक चीज, बस एक चीज पक्का. हाँ बस 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 बोल दो, बस 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 बस. चलो भाई ये जो भाई ये जो कोंडम का पैकेट है, ये हमारे साइज पे नहीं आ रहा, मतलब हमने लगा के देखा, समय भाई ने लगा के देखा, भाई ने ये दीपक कलाल को फिटा रहा है, भाई का इतना लंबा है, लगा दो तालियां भाइयों के लिए. और एक मिनट, हाँ दीपक भाई एक सेकंड, पुनीत भाई एक सेकंड, दीपक भाई थैंक यू वंस अगेन फॉर कमिंग ऑन दिस शो. यू नो राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर दीपक भाई फॉर बीइंग सच अ स्वीटहार्ट, फॉर बीइंग सच अ जेंटलमैन एंड एंटरटेनिंग अस ऑल टुनाइट. Look at that. So Deepak bhai, can we have a few words gentle about Puneet bhai? No. देखो पुनीत जो है वो मतलब दिल का अच्छा है, बस यही है कि एक बार कम से कम बिल भर दे. माँ कसम सीरियसली, मतलब मेरा 4-4, 5-5 लाख का खर्चा हुआ है सर. कुछ अच्छी बात है तो अच्छी बात, मतलब यही कि फ्री फंड में खिला दूंगा, इसको खुश हो जाएगा ये.
पांचवी बार। नहीं 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 ठीक है ठीक है ठीक। अच्छा सुनिए ना सुनिए ना सुनिए ना, अभी अभी लास्टली समथिंग नाइस फॉर समय फॉर क्रिएटिंग इंडियाज गॉट लेटेंट। देखो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, दुनिया मेरी फैन है लेकिन हाँ मैं समय का बहुत तगड़ा फैन हूँ, बिकॉज उसमें वो हर एक चीज है। नंबर वन ह्यूमर, इंस्टेंट, मतलब वो जो बोलता है मतलब एकदम इंस्टेंट होता है। और मम्मी की कसम मैं यहाँ पे आया, उन्होंने मुझे कहा कि कोई भी स्क्रिप्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है, यू जस्ट चिल आउट। दिस इज द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ आई डिड द शो विच इज जीरो स्क्रिप्टेड, विच इज जीरो जीरो स्क्रिप्टेड। Trust me, it's not that I did the show. You know what? I celebrated it. And not only this, only because of that, his London show is sold out, New York was sold out. And I tell you one thing, मतलब इनको मतलब जब इन्होंने मुझे follow किया, I had tears in my eyes. Because you know, मतलब लोगों ने गालियां दी मेरे ह्यूमर को, डार्क ह्यूमर को नहीं समझा। एंड यू नो टुडे आई से एवरीबडी दैट लुक एट दिस, समय इज फॉलोइंग मी, बिकॉज मेरा जो कॉन्टेंट है मतलब पहले मुझे बहुत अच्छे अच्छे लोग फॉलो करते थे, बट देन आई वेंट अवे इनटू निगेटिविटी, बट इनके कारण मुझे वापिस एक अच्छा स्टेज मिलेगा और मुझे अच्छे अच्छे लोग फॉलो करेंगे। And you know what? अच्छा दीपक कराल की white washing हो रही है। मेरी बन के रहना। That's oh my god! Round of applause for दीपक भाई। Thank you so much. Okay, now I get it. समय रहना मेरी जोड़ है। And lastly, I would like to request Puneet bhai to say what do you think about India's Got Latent? आपको क्या लगता है India's Got Latent के बारे में? Thank you so much यहाँ पे आने के लिए भाई। ये शो के बारे में तो मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा क्योंकि मैं इतनी जानकारी नहीं है मुझे। बाकी समय भाई है, समय भाई को मैं काफी टाइम से जानता हूँ, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और काफी अच्छे स्टैंड अप, मतलब जो भी बोलते हैं मेरे को थोड़ी बोलना नहीं आ रहा, स्टैंड अप कॉमेडियन। तो मैं दो तीन, अभी मैं नीचे होटल में बैठा था तो मेरे दो तीन स्टैंड अप कॉमेडियन जैसे समय भाई अपना होस्ट करते हैं या फिर कॉमेडी करते हैं, तो दो तीन लोगों का नाम मेरे को और भी याद है, जैसे कि या फिर एक दो और भी हैं, लेकिन भाई इन लोगों में वो बात नहीं है जो समय भाई में बात है। और भाई ये जेन्युइन नाम दिया था यार, मैंने कितने कॉमेडियन देखे हैं जो समय भाई की तरह कॉमेडी करते हैं, किसी के साले के झुरियाँ हो रही है मुँह पे, किसी के दाढ़ी में छेद हो रहे हैं, किसी की दाढ़ी वाइट हो रही है, लेकिन भाई एक चीज़ और भी होती है, जब मेरे को भी 8 से 10 साल हो गए वीडियो बनाते हुए, 5 लाख से ऊपर वीडियो बना चुका हूँ मैं, लेकिन क्या होता है कॉमेडी करने के साथ साथ ना चेहरा भी फनी होना चाहिए, चेहरा भी क्यूट होना चाहिए, जैसे अभी मेरी फनी मतलब अच्छा, जैसे अभी मैं कुछ कंटेंट अपने बना रहा था तो लोग कुछ लोग मेरे को कॉपी कर रहे थे, तो मैंने एक वीडियो बनाया था उस पर जिसमें 10 मिलियन व्यूज थे, उसमें मैंने ये बोला था कि भाई देखो अच्छी कॉमेडी करने के साथ साथ ना अच्छी बॉडी भी होनी चाहिए ताकि आप कहीं जाओ तो लोग आपको पसंद करें, लड़कियां आपके साथ बैठे हैं, लड़कियां आपसे बातचीत करें, ये नहीं है कि कॉमेडी कर रहे हो गर्दन पे मेल जम रही है, टांगे काली हो रही हैं, और तो उसमें क्या होता है लड़कियां नहीं आती। भाई मैं जब भी जाता हूँ ना कहीं तो लड़कियां भी पास, मैं कोई गलत वे में नहीं बोल रहा, मतलब लोग मेरे को अपने पास बिठाते हैं, सेल्फी लेते हैं। समय भाई की बात पे आते हैं तो बहुत ही प्यारे इंसान है, बहुत ही क्यूट इंसान है, और इनसे प्यारा बंदा इस दुनिया में नहीं है कोई यार, सच में समय भाई का चाहने वाले। और ये वाला शो जो है मेरे आने के बाद, तो पहले मुझे लग रहा है जो भी ये वीडियो जहां पर भी अपलोड करेंगे मैं जरूर देखूंगा, मुझे लग रहा है पहले मैंने आंकड़ा लगाया था 1 या 2 मिलियन का, क्योंकि भाई इसमें कोई इतना तगड़ा कोई चीज नहीं थी, लेकिन मेरी एंट्री के बाद 100 मिलियन व्यूज जाने वाला है, लिख के ले लो भाई। शुक्रिया दोस्तों। All right guys, make some noise for Deepak Kalyan and Puri Superstar once more. भाई इस वजह मैं तभी बोलूं यार 16 मिलियन कैसे हो गया यार, ये वाला एपिसोड काफी ज्यादा है। Let's go guys. That was India's Got Latent. Thank you so much for watching. भाई वो दोनों पीछे ही रह गए यार। Bonus moment. All right, that's time, Vijit. Vijit. Okay, I don't know. How is it pronounced? Vijit is no, fine. No, it's pronounced members only content. Oh. Okay. वो गाना सुना आपने? निगाहों निगाहों
मैं दिल में वाले ये गाना नहीं सुना आपने? सुना है भाई। तो ऐसे में क्या होता है भाई, आप किसी गांड मारी है आपने ऐसे में किसी की? आपका ही मालूम है। फिर समय गएगा निगाह मारता निगाह मारता। इस शो में ऐसे और भी बहुत फनी जोक्स हुए थे जो हम एपिसोड में डाल नहीं पाए क्योंकि वो जोक्स बहुत फनी थे लेकिन उनके अराउंड का जो परफॉर्मेंस था बहुत एवरेज था। बट डोंट वरी, वो सारे जोक्स की कंपाइलेशन बना के मैं डाल रहा हूँ मेंबर्स ओनली चैनल पे कल शाम 6 बजे। सो गो अहेड एंड बिकम अ मेंबर फॉर 60 रुपीज ओनली। ओह माय गॉड, समय के सब्सक्राइबर्स भी बढ़ गए हैं इसके बाद से। ये बहुत ही ज्यादा हिट हो रहा है यार, इंडियाज गॉट टैलेंट का ये 9th एपिसोड था एंड दैट्स द रीजन। मुझे पहले समझ में नहीं आया भाई ये वाला एपिसोड कुछ ज्यादा ही पॉपुलर हो गया है, तो भाई समझ में नहीं आया था, लेकिन अब मेरे को समझ में आया है भाई। आफ्टर पूरी सुपरस्टार की एंट्री भाई, उसके बाद तो भाई तबाही थी यार। मैं वो वाला पार्ट यार फ्रंट में लगाऊंगी फर्स्ट में, क्योंकि यार ये 1 घंटे का है तो मैं ज़्यादा इसको बड़ा नहीं करना चाहती हूँ, तो इसलिए भाई मुझे बड़ा मज़ा आया। आपको कैसा लगा कॉमेंट करके ज़रूर से बता देना एंड मेरा रिएक्शन कैसा लगा ज़रूर से बताना। अगर आपको ये वीडियोज़ अच्छी लगती है तो बताना, मैं और ऐसे वीडियोज़ आपके लिए लेके आऊँगी आप लोगों को एंटरटेन करने के लिए। एंड या तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो गाइज, बाय बाय।